दगडोली मशीन एंड एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कंबाइन के बारे में जानकारी देता हूँ कि कंबाइन से गेहूँ, ग्वार इत्यादि को छोड़ के सरसों और बाजरा भी हम निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, लेकिन उसके लिए ये कटर अलग से चाहिएगा हमें। ये कटर होता है भाई, ये सरसों निकालने का कटर है, सरसों और बाजरा ये कटर निकालता है। ये कटर लाने के बाद में हमने इसमें भी कुछ बदलाव करने पड़े। एक तो ये वाली जो चादर है ये वाली लगानी पड़ी, और एक ये आगे वाली चादर है, देखिए, नहीं तो सरसों हो या बाजरा हो यहाँ पे फंसता था वो। ये जो दिखाई दे रहे होंगे आपको निशान, ये सभी सरसों और बाजरा फंसते हैं के बाद ये निशान पड़े हैं। तो ये वाली जब चादर लगा दी हमने तो ये समस्याएं हट गई। ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम थी। एक मेजर प्रॉब्लम ये जो पाइप लगाया है, ये वाला जो पाइप है इस यहाँ तक जो सरसों कटेगी, इसके बाद में यहाँ जो सरसों बच गई उसको ये वाला पाइप इस साइड में कर देगा। ये देखिए, इस साइड में कर देगा। दोनों साइड में ये अलग से लगानी पड़ी, एक उधर वो लगी हुई है। ये लगाने का कारण ये हुआ कि यहाँ पे सरसों आती है और वो यहाँ पे फंसती है यहाँ पे, तो ये जो सरसों आएगी वो ये जो पाइप है इसको इससे ऊंचा कर दिया गया ताकि यहाँ पे सरसों न फंस सके यहाँ पे। तो यदि आपके पास भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है तो आप ये सुधार ज़रूर करें ताकि आपके एरिया में भी आपकी मशीन की अच्छी मार्केट हो सके। ये देखिए इधर, ये इससे ऊंचा आई है। इससे यदि ये न लगा हो तो सरसों आके यहाँ पे आएगी और यहाँ पे उलझ जाएगी यहाँ पे। ये इधर से दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे उलझ जाएगी, तो इससे ज़मींदार काफ़ी परेशान होता है और खेत में उजाड़ देख के मशीन से निकलवाने के लिए मना कर देता है। एक मैं आपको बताऊं, ये जो रील है, ये वाली जो रील है इसकी टहने हैं और यहाँ पे पाइप लगा हुआ है रील का। इस पाइप के अंदर वो पाइप है, रील का पाइप है, तीन पाइप है इस रील में, और उसके ऊपर ये पाइप लगा दिया गया, एक पाइप लगा के और फिर इसके ऊपर से एक पाइप और लगा दिया ये सुराख निकाल के। ये सभी ट्रेनों के सुराख निकाल के ये पाइप अलग से और लगा दिए गए ताकि यहाँ पे बाजरा है या फिर थोड़ी गीली सरसों होती है तो वो यहाँ पे लिपट जाती थी, ऐसे पाइप के बाहर से लिपट जाती थी, तो वो वाली समस्या भी जड़ से ख़त्म हो गई। तो ये छोटे छोटे बदलाव होते हैं भाई, लेकिन कंपनियों का इस ओर ध्यान नहीं जाता, और फील्ड में जब हम इनको चलाते हैं तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं, ये मेजर प्रॉब्लम हो जाती हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।